हौसैन अली बिरयानी के बाशिंदे और ये हैं कादिर अली बिरयानी के बाशिंदे और ये रखी हुई भाई दोनों की प्लेट्स। रेटिंग अगर मैं दूंगी तो भाई नारे लग रहे हैं और ये मेरे हाथ देखे कांप रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज करने आ गई हूँ। मेरे इस वक्त दोनों तरफ है पाकिस्तान की नंबर वन बिरयानियाँ, मेरे एक तरफ है कादरी नली बिरयानी और मेरे दूसरी तरफ है गौसिया नली बिरयानी। भाई ये होने वाला है आज का चैलेंज, कादरी वर्सेस गौसिया नली बिरयानी। आज जो है वो मेरा जो ओपिनियन होगा इन दोनों बिरयानियों के बारे में और मैं इनको रैंक करने वाली हूँ नंबर वन और नंबर टू। तो भाई बिना देर किए चलते हैं और इस मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अब चूंकि देखिए कॉम्पिटिशन तो कॉम्पिटिशन है, दो सगे भाई भी अगर एक चीज का काम शुरू करते हैं तो उनके अंदर भी जो है वो अफरा तफरी चलती रहती है, तो ये तो फिर गैर हैं। और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और छोटे मोटे कॉम्पिटिटर नहीं, अच्छे खासे कॉम्पिटिटर हैं उनके। दोनों की प्रोडक्ट सेम है, दोनों की ऑडियंस सेम है, दोनों की मशहूरियत भी लगभग सेम ही है। तो अब मसला यहाँ पे आया कि अगर कादरी वालों को मसला हुआ कि जब मैं वहां बैठ के रिव्यू नहीं दे सकती, गौसिया वालों को मसला हुआ कि मैं यहाँ बैठ के रिव्यू नहीं दे सकती, तो अब डिसाइड ये हुआ और शायद तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ बीच रोड पे बैठ के जो है वो दोनों बिरयानियों का कंपैरिजन करने वाली हूँ। सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और यहाँ पे जो है दोनों के बीच में स्पेशली मेरे लिए टेबल और चेयर लगाई जा रही है और यहीं पर मैं बैठूंगी। तो भाई टेबल और चेयर लगाने का मकसद यही है बीच में कि भाई मैं एकतरफा वीडियो नहीं बना रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और सबके सामने दोनों के सेंटर में। मतलब ये सेंटर है दुकान का और बिल्कुल सेंटर देख के मैंने ये टेबल लगाई है ताकि किसी की भी जो है वो दिल आजारी ना हो। चलो भाई आ जाओ भाई, आ गए। वालेकुम सलाम भाई, ये हैं गौसिया नली बिरयानी के बाशिंदे और ये हैं कादरी नली बिरयानी के बाशिंदे और ये रखी हुई भाई दोनों की प्लेट्स। चलो भाई खोलो पतीले, हटाओ ढक्कन और निकालो मलबा अंदर से, निकालो आप भी। वाह भाई वाह, शक्ल से तो भाई दोनों दोनों बराबर भाई, बड़ा मुश्किल काम है वैसे ये। तो भाई ये निकल रही है नली, सही है जी, और ये यहाँ से भी निकल रही है नली और ये शायद पहली बार हो रहा है ऐसे ही है ना कि रोड पे बैठ के रिव्यू हो रहा है, रोड पे बैठ के दोनों का कंपैरिजन ये पहली बार है तारीख में मैंने कर दिया दोनों का कंपैरिजन रोड पे बैठ के कर दिया। भाई ये देखें गर्मा गर्म नली के बूंदे निकल गए हैं दोनों नलियों में से। ओ भाई क्या ही बात है भाई, क्या बात है भाई। गौसिया नली बिरयानी ओनली फ्रेश मीट ओनली फ्रेश, बाप बिरयानी बाप, बाप बिरयानी बाप, कादरी नली बिरयानी बेस्ट बिरयानी ऑफ द ईयर 2023। भाई यहाँ पे जो है वो दोनों ही अपने अपने जो है वो कहते हैं ना अपने अपने नारे और अपने अपने स्लोगन्स गा रहे हैं। ये देखिए भाई चेक करें, ये है कादरी की नली, ये चेक करें जी, ऑयल वॉयल देखें किस तरह से आ रहा है, ये है कादरी की नली और ये है भाई, ये चेक करें, ये है गौसिया की नली। वाह भाई वाह जबर, पहले ट्राई कर लेते हैं हम ये अपनी गौसिया नली बिरयानी क्योंकि ये ज्यादा पुरानी है कादरी से, तो भाई इसको पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। ये हम इसकी एक लेंगे छोटी सी बोटी, भाई साहब बहुत मुश्किल काम है ये,
सही है जी, ये नली का हमने जो है वो गूदा उठा लिया। सही है, ये आ गए चावल। सही है भाई, बिरयानी तो बहुत लश है, हमेशा की तरह गोशे की बिरयानी बहुत आउट क्लास है, जूसी है, नमक मिर्च हर चीज बहुत बैलेंस है और नली का भी टेस्ट बहुत ज्यादा इनहेंस होता है इसमें। अब मैं जरा पानी पीऊंगी, मुंह दोबारा फ्रेश करूंगी और फिर कादरी को टेस्ट करूंगी। तो भाई अब बारी है कादरी की, मुंह फ्रेश हो गया है, पानी पी लिया है ताकि अब इसका जो है वो टेस्ट बिल्कुल क्लियर मिक्स ना हो दूसरी बिरयानी से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोनों का टेस्ट। ये हमने ले ली बोटी, ठीक है, ये हमने उठा ली नली, ठीक है जी। अब जो है ये गया निवाला, बजाहिर देखने में सेम है दोनों बिरयानियाँ, लेकिन वो अलग वे में अलग टेक्सचर की है और ये अलग टेक्सचर की है। जो बहुत ज्यादा तरी वाली बहुत ज्यादा जूसी बिरयानी खाना पसंद करते हैं, ऑयली बिरयानी खाना पसंद करते हैं, तो वो गौसिया का रुख करें, और जो चाहते हैं कि फ्रेश लुक वाली बिरयानी, एक खिली खिली बिरयानी, चावल खिला खिला, खुशबू वाला, हर चीज मतलब खिली खिली हो, बहुत ज्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज्यादा जूसी ना हो, तरी ना हो, तो वो कादरी का रुख करें। और अगर मैं रेटिंग अब दूंगी रेटिंग अगर मैं दूंगी तो भाई नारे लग रहे हैं और ये मेरे हाथ देखे कांप रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से मैं किसी को नीचे कर दूँ, किसी को ऊपर कर दूँ, माशाल्लाह से दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी खुद की जो है वो जो लाइकिंग होती है उसके हिसाब से मुझे सूटेबल थोड़ी थोड़ी कादरी लगी है। सही है ना, और अगर मैं थोड़ा सा अपना वजन को इग्नोर कर दूं और मैं अपने फेवरेटिज्म पे आ जाऊं तो मुझे गौसी अच्छी लगी है। दोनों ही अपनी जगह बहुत नंबर वन है, तो आप लोग अगर ये रिव्यू करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। तो भाई एक थम्स अप जाता है मेरी तरफ से गौसी नली बिरयानी को, और एक थम्स अप जाता है मेरी तरफ से कादरी नली बिरयानी को। तो भाई दोनों बराबर ही कॉम्पिटिशन है, तो भाई मेरी ये फर्स्ट चॉइस कादरी नली बिरयानी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऑयल की जो है वो कमी होती है और मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन अगर मैंने दोबारा ये चीज़ बोलूँ मैं मोटी ना होती तो मैं गौसिया खाती। तो भाई इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मैं अब कंटिन्यू करती हूँ खाना अपनी बिरयानी, और ये बहुत मुश्किल फैसला था।